Hey guys, what's up? मैं हूँ अरुण और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इट्स अरुण स्टार्ट में। तो फिर आज हम लोग पाइथन की मदद से और opencv की मदद से एक प्रोग्राम बनाएंगे जो फेस को डिटेक्ट करेगा, फेस डिटेक्टिंग प्रोग्राम। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो मैं फटाफट से अपने किसी फाइल में एक नई फाइल बना देता हूँ और न्यू फोल्डर, और यहाँ पर मैं कोड डॉट, और यहाँ पर मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करके कमांड विंडो करूंगा और यहाँ पूरा कोड डॉट, इससे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा यहाँ पे, और मेरा विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ खुल चुका है। और अब मैं यहाँ पे नई फाइल बनाने जा रहा हूँ, प्लस यहाँ पे रखेंगे क्या नाम, फेस रिकॉग्निशन डॉट पाइथन, ये पाइथन फाइल थी। और आप स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सेप्शन्स है आपके पास, सबसे पहले तो opencv की XML फाइल होनी चाहिए हैरेस कैस्केड की, और यहाँ पर मैं ढेर सारे मेरे पास XML फाइल है डाटा में। अगर आपको इसको कैसे लाते हैं चाहिए तो मैं उसको भी अलग से वीडियो बना दूँगा। तो पहले शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मुझे जो लगेगा वो है फ्रंट ऑफ फेस, यानी रहता है चेहरे को डिटेक्ट करने के लिए। तो फिर मुझे पहले इसको कॉपी कर लेना, इसकी लोकेशन कंट्रोल सी, इसके पहले लोकेशन मैंने कॉपी कर लिया और अभी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इम्पोर्ट करता हूँ, क्या इम्पोर्ट करेंगे हम लोग इसमें, सबसे पहले हम लोग को जरूरत पड़ेगी cv2 और उसके बाद इम्पोर्ट लॉपी एज mp, क्या उसके बाद अभी यहाँ पे आ चुके हैं और मैं इंटर करूँगा। अभी देखिए फेस कैस्केड इज इक्वल टू फेस कैस्केड, अब यहाँ पे लोकेशन पेस्ट करेंगे, पहले लिखेंगे cv2 डॉट कैस्केड, अभी कैस्केड को क्लासिफायर से क्लासिफायर, अब यहाँ पे लोकेशन पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी से मैंने लोकेशन पेस्ट कर दी, और मुझे कौन सा कैस्केड चाहिए उसका हम लोग लिखेंगे। अब देखिए हमारा पाइथन एक स्लैश तो दिया नहीं, फिर डबल स्लैश लगा पड़ेगा लोकेशन के लिए, और मैं डबल लोकेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, और एक और काम है कंट्रोल से करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं स्लैश और इसको रिप्लेस कर देते हैं डबल स्लैश से, रिप्लेस यहाँ पे दो थे वहाँ पे चार हुए, कोई नहीं इसको ठीक कर देते हैं बैकस्पेस, और यहाँ पे भी बैकस्पेस, यहाँ पे बैकस्पेस, और अपने पे बैकस्पेस, ये मैंने बैकस्पेस कर दिया। और अब यहाँ पे हमने फाइल को पेस्ट करेंगे, तो मेरी XML फाइल का नाम है फ्रंट ऑफ फेस कैस्केड, फ्रंट ऑफ फेस जो है तो मैं इसको रीनेम से करूँगा और मैं इसको कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से, और अब कट और यहाँ पे कंट्रोल वी डॉट XML, इतना काम हो गया। अब एंटर करेंगे और अब कैप इज इक्वल टू, अब अपना कैमरा आपके पास अपने कैमरे में, अगर दो है तो वो 0 और 1 होगा, और मेरे पास दो की है तो 0। तो करते हैं वीडियो कैप्चर, वीडियो cv2 डॉट वीडियो कैप्चर, वीडियो कैप्चर करेंगे किससे, 0 से पहले एंटर, और अब वाइल लूप चला देता हूँ, वाइल टू, वाइल लूप चला दिया है और एंटर। अब देखिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हमने होंगे, जैसे कि अब मैं रखने जा रहा हूँ इमेज और रेक्ट इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल होगा हमारे cv2 कैप डॉट रीड, पहले को रीड कर रहे हैं रीड, और यहाँ पे एंटर दिया, और इसके बाद हम लोग लिखोगे ग्रे, ग्रे इज इक्वल टू ग्रे के इक्वल, ग्रे हमारे इक्वल होगा cv2 डॉट कन्वर्ट कलर, आगे आपके पास कलर में इमेज साथ साथ cv2 डॉट
डिग्री है। मेरा चेहरा डिटेक्ट करना है, क्यों बात की है।
अरे वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कैमरा लगा भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये ऐसे नॉलेज की वीडियो आपको मिलती रहेगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग पर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।